नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। लंबे समय से टीम इंडिया से नजरअंदाज किए जा रहे संजू सैमसन ने एक कमाल की पारी खेल दी है और बीसीसीआई को यह बता दिया है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है एक बार फिर से, अब अगर आप फिर से मुझे नहीं गौर करोगे मुझ पर तो फिर ये आपका ही नुकसान है। आपको बता दें कि आज रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला गया, ये मुकाबला केरल और झारखंड के बीच था। पहले ही दिन संजू सैमसन ने कमाल की पारी खेली, 108 गेंदों में संजू सैमसन ने 72 रन बनाए, 4 चौके मारे और 7 छक्के मारे। 7 छक्के उन्होंने मारकर ये सिलेक्टर्स को बता दिया है कि इस ओर देखिए मैं कैसी बल्लेबाजी कर रहा हूं। आपको बता दें कि संजू सैमसन पिछले कुछ समय से लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। एशिया कप में वो नहीं गए, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में टीम उन्हें नहीं लेकर गई, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज हुई वहां पर भी संजू सैमसन को सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया। संजू सैमसन को लेकर फैंस लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन के पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। कहीं भी मुकाबला हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, वहां पर भी संजू संजू के नारे लगाए जाते हैं। ऐसे में बीसीसीआई को क्यों नहीं दिख रहा है संजू सैमसन का, और उस पर एक बार फिर से संजू सैमसन ने रन बना दी है। केरल की तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 72 रनों की अहम पारी खेली है, अपनी टीम को संकट से निकाला है। तो अब रणजी ट्रॉफी में वो लगातार रन बना रहे हैं, इसके अलावा इंडियन टीम में वो रन बना रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब सवाल यही है कि क्या बीसीसीआई इस पारी को देखने के बाद भी एक बार फिर से संजू सैमसन को बाहर कर देगा या स्क्वाड में शामिल नहीं करेगा। आपको बता दें श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज जनवरी में खेली जानी है, उसके लिए अभी स्क्वाड अनाउंस होना बाकी है। देखना होगा क्या संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबलों में शामिल किए जाते हैं या नहीं। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, क्या संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए और संजू सैमसन की रणजी ट्रॉफी की इस पारी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।